मैं आप लोग को भी दिखाऊंगा। सबसे पहले मैं डोर से दिखाता हूँ, जो आप लोग दिख रहे होंगे ये प्लास्टिक इन कंपनी वाले। पहले स्पीकर का भी फिटमेंट देख सकते हैं, जो आप लोग को ओचे से दिखाया था। ये हमारा सारे 6 इंच के मिडवेस रहते हैं, लकड़ी के हमने इसके डायमेंशन बना के उसके ऊपर ही फिटिंग करी है। और 10 नंबर के आपको नट बोल्ट, 8 चैनल एम्पलीफायर, 9 चैनल DSP जो मैं आप लोग को दिखाया था। ये काफ़ी पावरफुल DSP है, 300 किलो तक वेट रख सकते हैं। और जो इसकी वायरिंग है, मैं आप लोग इसकी वायरिंग की फिनिशिंग दिखाता हूँ। सो गाय ड्रीम ऑडियो को देख रहे हो, नई वीडियो। आज हमारे पास है टोयोटा हाईक्रॉस हाइब्रिड, जो इसमें हम ऑडियो ऑपरेट कर रहे हैं। जो कंपनी से ऑडियो लग के आए वो है JBL का, जैसे कि फ्रेंड, 3-way, रियर क्वाइगल, 100 वूफर है। अगर हम जनरली गाड़ी से किसी दूसरी गाड़ी से कंपेयर करें तो इनका जो सेटअप है काफ़ी अच्छा है, MB लगा हुआ है। और जो ऑल सेटअप है ये एक्टिव है, एक होता है पैसिव, होता है एक्टिव। जो हम एक्टिव करते हैं उस हिसाब से कंपनी भी एक्टिव करें, लेकिन जो हम क्वालिटी की बात करें जिस हिसाब से एक्टिव है उतना अच्छा नहीं है। तो अगर हम ऑडियो ऑपरेट करते हैं तो हमें एक्टिव ही करने पड़ता है, क्योंकि इसके अंदर जो हाई इनपुट के तार लेते हैं हम, जनरली हम हर कार से बस फ्रंट और रियर लेते हैं। और इसके अंदर क्या है कि सारा फ्रिक्वेंसी अलग अलग है, मिड रेंज की अलग है, मिड बेस की अलग है, रियर की अलग है, सब ऊपर की अलग है। तो अगर आप लोग को अपग्रेड करवाना है तो थोड़ा प्रीमियम सेटअप करोगे तभी मतलब कि इसमें आउटपुट अच्छी आएगी। अगर आप लोग नॉर्मल कराते हो तो आपको प्लग एंड प्ले ही करवाना पड़ेगा। अगर एम्पलीफायर अपग्रेड कराते हो तो बिना DSP का इसमें मतलब कि आपका मज़ेदार साउंड नहीं आएगा, क्योंकि आगे से भी एक्टिव है। तो एक्टिव से एक्टिव पे जाओगे तभी आपको कुछ डिफरेंट मज़ा आएगा। तो जो हम सेटअप कर रहे हैं, जो हमारा रहने वाला है ओल्ड सेटअप, हमें ऑडिशन ही कर रहे हैं। जो हमारा ऑडिशन का DSP एम्पलीफायर आता है उसमें क्या होता है कि हमें 8 चैनल हाई इनपुट भी मिल जाता है, कि जैसे कार के अंदर चाहिए होता है कि जैसे हम उसे नॉर्मली जनरली जो DSP होता है 4 से 6 चैनल इनपुट होता है, इसमें हमारा 8 चैनल इनपुट है, कि हम अलग अलग स्पीकर को जो फ्रीक्वेंसी चाहिए हम अलग अलग कर सकते हैं। तो जो हम इसमें लगा रहे हैं एक्टिव सेटअप के लिए, फ्रंट में हम जो सेटअप करें 8.9 रहता है, जो हमारा 8 चैनल एम्पलीफायर है और 9 चैनल DSP है। जो इसके अंदर हम सेटअप बिठा रहे हैं, हम फ्रंट एक्टिव करेंगे और रियर आपका हम पैसिव करेंगे, और इसके साथ हम एक लगाएंगे एक्टिव सबवूफर। तो फ्रंट 3-way हमारा ऑडिशन ओचे के रहते हैं और 2-way हमारा ऑडिशन ओचे सीरीज का रहता है। जो इतनी बड़ी कार है, जो एक होता है ना कि साउंड थोड़ा भरी हुई चाहिए, अच्छी आवाज़ चाहिए, तो अगर हम कोई कम RMS के स्पीकर लगाते हैं तो हमें आउटपुट अच्छी नहीं मिलती। इसीलिए हम जो हमारे स्पीकर्स हैं ये काफ़ी पावरफुल है, जो इनकी मिड बेस भी अच्छी है, वोकल क्लैरिटी भी अच्छी है और ट्विटर काफ़ी अच्छी है। तो इन कार में हमें ओवरऑल काफ़ी मज़ा आता है। तो जो हम सेटअप ऑडिशन करते हैं, क्योंकि जनरली जो गाड़ी हम जो हमारे भैया आते हैं, अगर हम उनको कोई कार सुनाते हैं, डेमो देते हैं ऑडिशन का, तो मतलब ऑडिशन का फ़ैन हो जाता है कि भाई ऑडिशन का सेटअप ही करवाना है। तो जो हमारे ये भैया आए थे तो उनको मैंने दूसरी बना रहे थे, वो हमने सेम सेटअप सुनाए थे। भैया कह रहे मुझे सेम आवाज़ चाहिए, तो सेम सेटअप कर रहे हैं। और चलते हैं आप लोग को कार के अंदर, जो हमने फिटिंग करी है काफ़ी, जो इसको प्ले मतलब कहते हैं ना जो स्टॉक लोकेशन है उसी पर हमारा 3-way भी लग गया और रियर का 2-way भी लग गया, और जो सब वूफर है काफ़ी कम स्पेस लेते हुए वो सब वूफर भी लग गया। तो आप लोग को चलते हैं कार के अंदर सारा सेटअप दिखा। तो आप लोग को डैम्पिंग, जो स्पीकर फिटमेंट करे, जो हम 3-way के लगाए हैं, 3-way ना इसका जो स्टॉक जगह है वहीं काफ़ी अच्छी फिटिंग आई है। तो मैं आप लोग को भी दिखाऊंगा। सबसे पहले मैं डोर से दिखाता हूँ, जो आप लोग दिख रहे होंगे ये प्लास्टिक इन कंपनी वाले पहले देते हैं, कि मतलब बाकी गाड़ी से तो काफ़ी अच्छे हैं, कि अगर हम डैम्पिंग स्टॉक पे भी काफ़ी अच्छी आवाज़ आती है, क्योंकि इसमें पन्नी ने दी हुई है, ये प्रॉपर इसे प्लास्टिक दिया है, इसमें नीचे फोमिंग भी है, इससे काफ़ी फर्क आता है। और जो डैम्पिंग भी इसकी हमने डबल लेयर करी है, इसके डोर्स भी काफ़ी बड़े हैं, अंदर बाहर डैम्पिंग करी है। और लोग आप स्पीकर का भी फिटमेंट देख सकते हैं, जो आप लोग को ओचे से दिखाया था। ये हमारा 6.5 इंच के मिड बेस रहते हैं, और जो मिड रेंज दिखाया था आप लोग को, मिड रेंज हमने डैशबोर्ड पे जो स्टॉक जगह है वहीं पे काफ़ी अच्छी फिटिंग आ गई है। लकड़ी के हमने इसके डायमेंशन बना के उसके ऊपर ही फिटिंग करी है, और 10 नंबर के आपको नट बोल्ट से टाइट कर दिया इसके अंदर, जो काफ़ी अच्छी फिटिंग आई है। और जो हमारा JBL के ट्विटर लग के आते हैं उसी स्टॉक लोकेशन पे हमने इसका ट्विटर भी लगा दिया, ऑडिशन का ओचे सीरीज का, जो काफ़ी अच्छी फिटिंग आई है। और मैं आप लोग को जो DSP है, DSP की फिटिंग दिखाता हूँ, जो हमारा 8.9 है, ये हमारा DSP रहता है, जो 8 चैनल एम्पलीफायर, 9 चैनल DSP जो मैं आप लोग को दिखाया था, ये काफ़ी पावरफुल DSP है, और हम एक्टिव भी कर सकते हैं, फ्रंट एक्टिव कर देते हैं, रियर हम जो पैसिव कर देते हैं। और आप लोग इसकी जो वायरिंग के फिनिशिंग चेक कर सकते हैं कि वायरिंग कितनी अच्छी करते हैं। ये काम होता ही बस भाई ड्रीम ऑडियो पर टाइम जरूर लगता है, लेकिन आप लोगों को जो वायरिंग की है ना, कभी दिक्कत नहीं आई कि चूचा कि गड्ढे में बंद हो रहा है, कोई बंद हो रहा है। तो मैं आप लोग को हर वीडियो में दिखाता हूँ, और उसमें इसमें कोई कटिंग वटिंग नहीं, जो कारपेट की जगह है इसमें हाइब्रिड है, बैटरी है,
लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, आप इमली फेयर लगा सकते हैं। और कोई दिक्कत भी आता है तो हमने आगे फ्यूज डाल रखे हैं, उससे आपका कुछ भी शॉर्ट सर्किट होता है सबसे पहले फ्यूज उड़ जाता है, आपकी गाड़ी का खुद का नुकसान कुछ भी नहीं है। तो मैं आप लोग को इसकी फिटिंग दिखा दिया। अब जो हमने एक्टिव सबवूफर लगाए रियर में, आप लोगों को मैं एक्टिव सबवूफर भी दिखाता हूँ। चलते हैं पीछे, तो आ चुके हैं सबवूफर के पास। मैं आप लोग को सबवूफर का फिटमेंट दिखाता हूँ यार, कि कितने कम जगह में और कितनी हमें अच्छी बेस मिलती है। आप लोग चेक कर सकते हो, पहले डिक्की बिल्कुल कवर नहीं करता है और इसके ऊपर आप आराम से सामान वामान जो भी है 300 किलो तक वेट रख सकते हैं। और जो इसकी वायरिंग है, मैं आप लोग इसकी वायरिंग की फिनिशिंग दिखाता हूँ, कि वायरिंग हिसाब से होनी चाहिए, कि कभी जब तक आपकी गाड़ी है ना तब तक आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। और कल को बूफर निकालना भी चाहो तो बिल्कुल पलेगन पले बूफर भी निकाल सकते हो। और जो बूफर की आप देख सकते हैं स्टैंड बना हुआ, कि इसमें हम रिवर्स सब वूफर, ये रिवर्स सब वूफर आ गया, इसमें हमें साउंड क्वालिटी काफ़ी अच्छी मिलती है। जो जैसे कि एक तो नॉर्मल ऊपर मुंह रखते हैं, एक रिवर्स में रखते हैं, तो जो हम बूफर के रिवर्स में रखते हैं, इससे जो बेस की क्वालिटी ना काफ़ी अच्छी आती है। जो ये फीचर है ऑडिशन में ही है, और इतनी बड़ी गाड़ी है आपको बेस की कमी महसूस बिल्कुल नहीं होगा। बाकी आपको लास्ट अभी गाड़ी पैक करके फिर आउटपुट सुनाते हैं। सो गाइज, पूरी गाड़ी हम पैक कर चुके हैं और जैसे आप लोगों को दिखाया कि JBL हटा के हमने ऑडिशन लगाए, काफ़ी हमें आउटपुट में डिफरेंट आया है। और जो हम एक्टिव सेटअप करते हैं ना, जो आप लोग जो एक्टिव सेटअप सुन लिए वो आप लोग पैसिव कभी नहीं लगवाओगे, कि जो पैसिव और एक्टिव बताता हूँ, जो एक्टिव में बहुत क्लैरिटी अच्छी आती है उस हिसाब से पैसिव में नहीं आ पाते हैं। और सबसे पहले आप लोग को इसकी जो आउटपुट सुनाता हूँ कि कितनी अच्छी आवाज़ आ रही है। काफ़ी अच्छा लगा होगा, क्योंकि जो इसकी आउटपुट आ रही है ना क्रिस्टल क्लियर आ रही है, कि जिस हिसाब से हम प्लेयर लगा रखे तब भी हमें काफ़ी मज़ा आ रहा है। और इस तरह आप लोग को जैसे सब वूफर की भी है तो बेस बिल्कुल कमी महसूस होना, जितनी इतनी बड़ी गाड़ी है तो बड़े बड़े बॉक्स लगाने पड़ते हैं। इसमें आपके जो सब वूफर लगाते हैं, एक तो सबसे पहले चीज़ है कि डिक्की कवर नहीं करते हैं, और जो बेस की क्वालिटी है कि अगर हम अच्छे स्पीकर लगाते हैं कि जो उसके साथ बिल्कुल मैच कर जाए, कि जहाँ बेस चाहिए वहीं बेस आ रहा हो, अलग से भाँ भूँ ना करे, वो बिल्कुल हिसाब से बॉक्स बना हुआ है। अब बॉक्स में सील्ड रहते हैं जो इसके डायमेंशन है, और सील्ड बॉक्स में हमेशा टाइट बेस और अच्छी आवाज़ आती है। तो मैं आप लोग को हर वीडियो में दिखाता हूँ कि जो सब ऑफर दिखाता हूँ ये हमें पसंद है, और जो हम कस्टमर को सुनाते हैं ना उनको भी काफ़ी पसंद आते हैं, तो कोई मना ही नहीं कर पाता है। अगर इस तरह काम करवाना तो आना कहाँ, ड्रीम ऑडियो जो नियर मिशन मेट्रो है, ऑपोजिट पिलर नंबर 343 के सामने दुकान है। अगर कहीं आप लोग दूर से आते हो, मैप पे डाल सकते हो ड्रीम ऑडियो बाय चंदू, आप दुकान तक आ सकते हो आसानी से। अगर आप लोग के काम की क्वालिटी चेक करना हो तो हमारे इंस्टाग्राम भी चेक कर सकते हो, जो मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 9211122007। ये व्हाट्सअप नंबर भी है, फ़ोन नंबर भी है। अब यहीं करते हैं वीडियो का एंड। जय श्री राम।